देखो भाई, आपसे कई बार मेरी बात हुई थी। एक हफ्ते पहले मैंने एक वीडियो छोड़ी थी, उसमें आप लोगों ने कहा था भाई एक बार पवन सेठ के दर्शन कराइए, कौन हो पवन। तो खास तौर पर नितेश मित्तल है अपना कलकत्ता, जो हमारे गांव से ही हो। तो भाई नितेश, तू सुनता हो तो इस बात को कमेंट करिए साथ साथ, और लाइक करना। छोरा हरियाणा का, देसी बोलना, देसी रहना, देसी खाना। तो आज जो मेरी गौशाला की कमेटी है, जो उसके प्रधान है पवन भाई, आपके सामने बैठे हैं, तो मैं इनसे बात कराऊँ आपकी सारी बातें। जो गौशाला में आज जिस हिसाब में गौशाला चल रही है, उस हिसाब से मैं आपकी सबकी बात कराऊँगा। और बाकी कमेटी भी बैठी है यहाँ, कमेटी के और भी सदस्य बैठे हैं। तो कैमरामैन को सारे दर्शन करा इनको। भाई सुनील, एक तो ये प्रधान ऊपर दान बना रखा है, वो सुभाष भांजा है कमेटी का मेन सक्रिय सदस्य है। ओम और प्रकाश, ओम ओम प्रकाश प्रकाश है, ओमल, और इधर ना भाई जयप्रकाश है। मैं जयप्रकाश को भी दिखा भाई, संरक्षक काम आयो मैं ये सुनील। जयप्रकाश है, इनका कपड़ा का काम है, और भाई साहब का जीनिंग मिल है। बाकी जितना टाइम मिल को दे है, उतना ही टाइम भाई गौशाला को दे है। गांव का बहुत मतलब आदमियों में जो गिनतियाँ में हो, सुनने एक आदमियों में गिनती में है, इसलिए गौशाला की सेवा में लग रहा है। पर जो भी आज सांग भी चल रहे हैं, जो कि दो तो होली, तीन होली ये सांग, दो तो एक सुभाष राजपूत राजस्थान से उसके हुए हैं, और दो दान सिंह चौहान के हैं, आज का था और कल का है। और बाकी जो भी मतलब आगे के जो भी क्या रूपरेखा है, कि किस किस के प्रोग्राम है, किस किस के सांग है, ये मैं जो प्रधान है गौशाला का उससे पूछ के मैं बताऊंगा। तो वो आपके मुखारविंदों से आपको डायरेक्ट आपको खुद ही बताएंगे वो। तो जितने भी मतलब छोरा हरियाणा के चैनल से जितने भी जुड़े हैं, जितने भी हैं, सब इस चैनल से लाइक करते रहो, अंगूठा दबाते रहो। देसी खाना, देसी रहना, देसी पहनना, ये छोरा हरियाणा का चैनल है, आपका अपना चैनल है। तो मैं पवन प्रधान जी से हाथ जोड़ के गिनती करूँगा अभी। सबसे पहले तो जितने भी मेरे दर्शक हैं, मेरे चैनल से को फॉलो कर रहे हैं, उनको आप हाथ जोड़ के उनको एक नमस्कार करो, और उनके बारे में कुछ कहो भाई पवन प्रधान जी। सबसे पहले तो मैं जितने भी भाई साहब के चैनल से जुड़े हुए हैं उन सबको हाथ जोड़ के राम राम करता हूँ। और भाई साहब का चैनल को भी बहुत बधाई देता हूँ। भाई भाई साहब तुम्हारे तो बड़े हैं, इन्होंने इतना बड़ा चैनल बनाया है, इतने आदमी जुड़े हैं, इनको भी बहुत बहुत बधाई। और सभी चैनल को सुनने वाले सभी बहन भाई अंदर राम राम। भाई चैनल तो ये देखो शौक में बनाया हमने, मेरे शौक में बनाया है। और फिर जो गौशाला के अपने जो प्रोग्राम है ना, तो भी गौशाला से भी जुड़ रहे हैं, सही बात कभी साल में दो बार तीन बार गौशाला में जावा भी हाँ, और मैं पूछ दे भी रहा हाँ, क्यों एक दूसरे से गली में बैठनी उठनी है, आदमी कौन को मिलता है रहा है। और बाकी ज़्यादा तो खैर इस मीडिया के उसमें नहीं हूँ मैं, बाकी आने वाले टाइम में, ज़्यादा टाइम नहीं होगा, आने वाले टाइम में ये चैनल आपका बहुत सुपर फास्ट होगा, और हरियाणा न्यूज से जुड़ा होगा। और जितनी भी नई बात, जितना भी देसी रंग है, देसी बातें हैं, जितनी भी मतलब हमारी हरियाणा की संस्कृति है, पुरानी से पुरानी आपके सामने लाएंगे। सबसे बड़ी सेवा तो है गौ की, गौवा की सेवा तो हमारे ऋषि मुनियों ने बताई है कि गौ ब्राह्मण साधु की सेवा ब्रह्म कर दुख नंद हो जा, सुबेरे कह उठी साधु जी की सच्ची भी हो जाए। ओप था ऑन कर दिया। तो जितनी भी बात है वो सबसे मतलब ये बात हुई है मेरी आपसे। तो भाई मैं कल इसका लाइव भी दिखाऊंगा आपने कल, और गौशाला में ही बैठ के लाइव भी दिखाऊंगा, जो गौशाला भी दिखाऊंगा, जो गौशाला का ऑफिस है भाई पौने। तो सबसे पहले देखिए बताओ, मैंने कई गौशाला में हम गए भी हैं और हमने देखा भी है कि जो कमेटी के जो सदस्य हैं उनकी तनख्वाह हो है, किसी की 5,000, किसी की 10,000, किसी को गाड़ी की सुविधा दे हैं, किसी को क्या की सुविधा दे हैं। तो भाई जो अपनी जो गाँव की गौशाला है, हरियाणा लेवल पर अपने गाँव की गौशाला बनी है, ये बहुत बढ़िया गौशाला बनी है पचपीर गौशाला। तो आप भी किसी को मतलब जो कमेटी जो बना रखी है, आप भी उस कमेटी को किसी को आप तनख्वाह दे हो, आप एक बार मेरे दर्शकों यह बात जरूर बताओ, जो कि आपको पूरा देश देख रहा है। देखो बात यह है जी, अपनी जो भी कमेटी है, जो भी उसके मतलब सक्रिय सदस्य हैं, सभी बेचारे अपने घर से पैसे लगाते हैं। किसी कोई सैलरी नहीं, किसी कोई तनख्वाह नहीं है, किसी का कोई चार पानी का खर्चा नहीं है। जो भी भाई गौ माताओं के लिए कहीं भी जाता है, चाहे वो बम्बई जाओ चाहे बहनी जाओ, अपना खर्चा हो जाता है। किसी का कोई खर्चा गौशाला नहीं देती। सभी जो भी भाई जुड़े हुए हैं उनमें कमेटी के तो 9 ही सदस्य हैं, ज्यादा नहीं बना सकते, इनमें तो हजारों जुड़े हुए हैं, पूरा गांव जुड़ा अच्छा हुआ अच्छा है। जिस तरह जो आप बताओ भी, जितने भी मतलब कोई भी बाहर जा है भी सब गौशाला काम से भी वहीं जाएगा, तो अपने पल्ले से अपना खर्चा अपना आप देगा। हाँ चाहे वो जी वो देखो भी ये हमारी गौशाला बा पड़ा गौशाला के नियम है, और किसी गौशाला में ये नियम नहीं हो तो गौशाला के लिए ये नियम आप भी बनाना कि
किमें किमें शिक्षा लेना है बापड़ा गौशाला से, क्योंकि बहुत दिनों बाद मैं 56 साल का हो गया, हमारी कभी सोच नहीं थी कि मेरे गांव में एक ऐसी गौशाला बन जाएगी। और गौशाला तो बस आपके पूछोगे एशिया लेवल का तुम्हारे गांव में वाटर बक्स है, तो एक दिन ऐसा भी वक्त आएगा कि ये गौशाला हरियाणा छोड़ के और दूसरे तक ऊपर तक जाएगी। जो आज इसी सामने जो इस पर कार्यकर्ता जो लग रहे हैं, भाई पवन है भाई, इस तरह फैक्ट्री चलाओ अपनी, तो 24 घंटे में तो कुछ टाइम सोने का भी वो है, तो जितना टाइम फैक्ट्री को दे है उतना ही टाइम गौशाला को दे है। तो भाई साहब एक बार मुझे जो सांग हुआ है ये सांगा के पैसे जो पार्टी है इनके पैसा कौन देगा, और आगे सांग किस किस के कदम तक ये सांग चलेंगे, इस सांग में मतलब कुछ आमदनी हो सह कि नहीं हो सह, गवर्नमेंट भी कितनी सहायता करी है, गवर्नमेंट ने सहायता नहीं करी है, गवर्नमेंट ने इसकी कोई सहायता नहीं करी है। तो मैं मेरे चैनल के माध्यम से सीएम तक भी और ऊपर तक भी और बड़ी मीडिया तक भी ये बात पूछा हूँ, भैया हमने इतना पैसा लगा रखा, प्रत्यक्ष को प्रमाण की जरूरत नहीं, आप आन के देखो गौशाला में, अगर कोई हेरा फेरी लागे तो मत देना, मैं वैसे इतनी मतलब जो बनाई कल मैं अपने दिखाऊंगा वीडियो भी मेरे दर्शकों सारे भी गौशाला के हाल दिखाऊंगा, साइड दिखाऊंगा, सारे का सिस्टम वो भी दिखाऊंगा, भी कोई मदद करी है कि नहीं करी है गवर्नमेंट ने। धर्मवीर भी आया था 13 तारीख को, वीके सिंह भी आया था, उनका कभी मैंने सुना है कि काम किया जी, मैंने जिक्र किया था भी गौशाला में कुछ मदद कर, तो क्या कह के गए, कुछ करे हैं या नहीं करे हैं? नो हजी देखो, पहली बात तो यह है हमारे गांव में पहले गौशाला नहीं थी, हमारा आवारा पशु भी बहुत ज़्यादा थे, जमींदारों भी बहुत भारी तकलीफ थी, और बेचारी या वैसे भी धक्के खांदी फिरिया करती, तो गांव की एक आवाज़ थी भाई हमारे गांव में गौशाला होनी चाहिए, तो बहुत दिनों से आवाज़ थी। पिछले साल हमारे मैन सरे जमींदारों का था, इन पर हमारे सभी लोगों ने मिल के और इन्होंने अपना एक बार तो एक गाँव में घेर था उसमें एक बार रखी है कुछ दिन, महीने दो महीने, फिर गांव की मीटिंग वगैरह हुई, गांव ने पंचायत की ज़मीन थी, पंचायत ने वह 10 किले लगभग, क्यों भाई 10 है ना, 10 किले लगभग ज़मीन गौशाला को दे दी, डीसी साहब से मंजूर करवा ली, गांव ने भाई फिर धीरे 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 लोगों ने तुरंत गांव ने पूरा हिस्सा ले गए, किसी ने भाई शेड बनवा दिया, किसी ने ऑफिस बनवा दिया, किसी ने कमरे बनवा दिए, किसी ने स्टोर बनवा दिया, मतलब बात यह है 5-6 करोड़ रुपया तुरंत लगाया गाँव ने। पिछले साल भी हमें सांग बुलाए थे, सांस्कृतिक प्रोग्राम हुआ था, 12-13 सांग थे, तो गांव ने बड़ा बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया था, चारा वगैरह का हमारा पूरा प्रबंध हो गया था। सांगा की पेमेंट हरियाणा सरकार ने, हमारी संस्कृति हमारा अभियान क्या है उसकी हुई थी 10 सांगों की 11 सांगों की कला परिषद की वजह से, और बाकी जो पेमेंट जो ज्यादा सांग हुए थे वो लोगों ने अपना आप इकट्ठे करके दिए थे। रही बात इस इन सांगों की, उसमें हमारे पास पैसे वैसे भी आए, वो बढ़िया काम सारा हुआ, चारा वारा बढ़िया, उसे हमें दिखा है धरातल पर, वो किसी को बताने की जरूरत भी नहीं, आके सभी भाइयों से जो चैनल से जुड़े हुए हैं हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है, एक बार गौशाला में आके एक बार देखो, और कोई कमी से नहीं हो तो उसके बारे में हमें आदेश भी दो। ये साल कब तक चलेंगे? ये चलेंगे जी लगभग 28 तारीख तक। कल किसका है? कल तो दान बाबू दान सिंह का ही है, इसके बाद राम शरणा तरीके हैं 3 सांग। अच्छा। और फिर 3 सांग हैं वेद प्रकाश अत्री जी भी। अच्छा। उसके बाद 2 सांग सुभाष प्रचारी के 27-28 के दोबारा, जो स्टार्टिंग में जिसके जो स्टार्टिंग में 2 कर गया वो, फिर हमने टाइम की एडजस्टमेंट के लिए वही किसी ने साई ले रखी थी किसी ने वो, तो उसके 2 पहले कर दी 2 बाद में कर दी, उसके बीच में वो बुक था, तो इसमें 28 तारीख तक हमारे सामने चलेंगे। सभी से हाथ जोड़ के निवेदन है भाई गौशाला में भाई प्रोग्राम भी है ये भी देखो, और गौ माता ने भी देखो भाई, कोई कमी शमी हो तो हमें शिक्षा भी दो, हमें बताओ भी, और भाई जैसा भी हरियाणा सरकार ने की मदद करी नहीं करी भाई? पहले तो देखो कई तो हमने बात हुई को नहीं, चौरी धर्मवीर जी अपने हमारे जनरल साहब आए थे, उन्होंने कहा भी हम पूरी पूरी मदद करांगे, हमारी गौशाला भी गौ सेवा आयोग से जुड़ी नहीं है, वो हमें कागज पत्र तैयार करके भेज रखी है, वह जुड़ने वाली है जैसा भी हमें पता है इस चीज़ का, भाई जल्दी से जल्दी वह गौ सेवा आयोग से जुड़ जाएगी। और अपने डॉक्टर के लिए हमें डीसी साहब को बोला था चौधरी धर्मवीर जी के माध्यम से, उन्होंने कहा था भी डॉक्टर हम परमानेंट एक यहाँ लगा देंगे, वो शायद अभी आने लग जाएगा 1 तारीख के आसपास मार्च में शायद शुरू हो जाएगा, और भी कुछ हमें बोला था, उन्होंने कहा भाई हम तत्पर पूरा मदद करेंगे, चौधरी धर्मवीर जी ने बोला और अपने जनरल साहब ने भी बोला, डीसी साहब भी आए हुए थे, उन्होंने कहा भी जो भी काम होगा हमारे
हिसाब का सरकार का, हम पूरी पूरी मदद करेंगे। उन्होंने बड़ी खुशी जाहिर की गौ माता की सेहत देख के और उनका भाई सफाई वगैरह देख के उन्होंने बड़ी खुशी जाहिर की। कितनी गाय है टोटल? ये हमारे पास नंदी और गाय दोनों करके 1250-1300 का लगभग है जी। इसका मतलब चारा बहुत ज्यादा, चारा डेली का कम से कम हमारा लगभग 100 क्विंटल चारा डेली का लगता है। तो इसकी मतलब जो चारे की जो भी वह है इकट्ठा करना, ये गांव वाले कर रहे हैं कोई बाहर का भी दे रहे कोई? भाई ऐसे है जैसे हमारे गांव के बहुत दानदाता रहे जो बाहर रहते हैं, किसी का भाई सफारी का काम है, किसी का ट्रांसपोर्ट का काम है, किसी का कपड़े का काम है, बहुत काम है हमारे गांव के बाहर, वो पूरे बढ़ चढ़ के हिस्सा लेते हैं और पूरा उन्होंने कह रखी भाई तुम संभालो इसको, पैसे की कोई कमी नहीं रहेगी थारी गौशाला में, चारा मतलब ईमानदारी से काम चलाओ, राजनीति होनी नहीं चाहिए गौशाला के अंदर, चारे की और किसी चीज की कोई कमी नहीं रहने देंगे हम, सभी भाई पूरी मदद करते हैं, जिन मतलब दिन रात हमारे पास फोन आते हैं भाई कोई दिक्कत हो कोई कमी शमी हो बताओ। तो इसके जो कमेटी के जो आप सदस्य हो, जितने 9 आदमी में कमेटी बना रखी है, तो इसमें उनके नाम तो आपने पता है कौन कौन है? हाँ जी हाँ जी। तो उसमें प्रधान तो आप हो गए? हाँ जी हाँ जी। और उसका उप प्रधान कौन है? उप प्रधान हमारा अपना तेजवीर जी है जी, और एक अपना सुनील जी है, एक सुखदीव ठेकेदार हमारा जनरल सेक्रेटरी है, और भाई परसोत्तम जी हैं, उमेद कुमार शर्मा हैं, एक राजरूप जी हैं, एक श्री और एक श्री पाल जी हैं हमारे कैशियर हैं, और हमारे एक महावीर प्रसाद कौशिक हैं वो हमारे कमेटी मेंबर भी हैं, और हमारे इसकी गौशाला के महाप्रबंधक हैं, वहाँ पूरी देख रेख करते हैं, वहाँ सारा हिसाब किताब उन्हीं के पास है। चलो भी दर्शकों सिस्टम से रिक्वेस्ट करूँगा, निवेदन करूँगा, जितने भी मेरे गाँव के इस मेरे प्रोग्राम को देख रहे हैं सोरा रेडियो चैनल के माध्यम से, भाई ज़्यादा से ज़्यादा तो दान पहुँचाओ गौशाला में, और गांव का नाम रोशन होगा। गांव के बारे में तो बड़े बुजुर्गों से भी सुनते आ रहे हैं, खुद भी देख रहे हैं कि वह बड़ा गांव तो है, ये छोटी काशी है, छोटी काशी है। इसमें धर्म पहले गौशाला आया करती थी, बहुत धर्म इकट्ठा करके ले जाया करती। इस गाँव में कोई भी आ जाओ अलग जगान खातर उसको खाली तो जाने को देते, और यो गाँव का काम है। और ज़्यादा खैर नहीं बोलना नहीं भी, जो टाइम होता जा रहा है, बाकी एक दिन गौशाला में एक बार जितने भी देखो भी एक दिन गौशाला मान के देखो, आप लोगों को भी सीख मिलेगी, जिस गांव में गौशाला नहीं है वो भी आने के बाद देखो भी गौशाला कैसे चल रही है। केवल गांव के आदमियों ने, मेरे हिसाब में जहाँ तक मैं सुनी है 99% गांव गांव के आदमी ऐसी गौशाला चल रही है। जितने मेरे गांव के जो भाई ने पवन ने प्रधान जी ने जो बताया था कि किसी सुपारी का काम है, किसी किसी चीज़ का काम है, मोटे बिजनेस वाले हैं, वो सब पैसा गौशाला को दे हैं और गौशाला को बड़ी सुचारू रूप से चलवा रहे हैं, कोई राजनीतिक नहीं है। बाकी भाई पवन कुछ आपको और कहना चाहोगा तो भाई पवन प्रधान जी? भाई मैंने हाजी जो भी आपका कोई भी यहाँ दान आता है, जिस से 1 रुपया हो और 1 करोड़ रुपया हो, यो हम यो वादा करते हैं, वो एक पैसा भी आपका कहीं भी नाजायज नहीं लगेगा। वहाँ चाय पानी भी पीते हैं, वह सभी आदमी जो वहाँ जाते हैं मेंबर कानून के हिसाब से तो 9 हैं, वैसे बहुत आदमी जुड़े हुए हैं वहाँ, वो सभी मेंबर मानो सभी प्रधान मानो सब किए हैं वहाँ, तो वो सब अपना अपना बारी बारी से कोई चाय ले आता है, कोई चीनी ले आता है, ओनली केवल गौशाला केवल दूध यूज होता है वहाँ, चाय भी पीते हैं उसमें, और किसी चीज़ की कोई मतलब गौशाला का पर्सनल कोई खर्चा नहीं है, कहीं भी जाना आना पड़े सभी भाई अपने अपने खर्चे से जाते हैं, गौशाला कोई 1 रुपया खर्चा नहीं है, गौशाला का खर्चा है पर्सनल या तो उसकी लेबर का, 17-18 आदमी काम करते हैं, और या जी मतलब उनका चारे का, ये है गौशाला खर्चा। एक हमें ये गाड़ी भी लगा रखी है टाटा म्यूजिक वगैरह क्या बोलते हैं उसकी, महिंद्रा की है टाटा की, वो भी हमारा 4-5 क्विंटल डेली रोटी गेहूँ आटा ये गांव से इकट्ठा करके लाते हैं, और डेली की डेली हम वो सारा अगले दिन के लिए इंतज़ार नहीं करते, उसी दिन गऊओं के लिए और इनके नंदियों के लिए हम उसको लगा देते हैं, मतलब या तो हमारे पास बात यह हाजी हमारे पास सारी गायें वो हैं जो बिना दूध वाली हैं, लगभग 40 से 45 किलो दूध होता है, हाँ जो 20-30 किलो दूध हम बेच भी देते हैं, उसके भी पैसे आते हैं, कभी ज़्यादा कम हो गया तो घाट बेचते हैं। हाँ वैसे हमारे पास गाय वो नहीं है जो दुधारू हूँ, हाँ आगे हमारी जो आज बच्चियाँ हैं ये आगे गायें बनेंगी वो अच्छी बनेंगी, उनको खुराक भी अच्छी मिल रही है, ये तो जो खेतों में या रोडों पे बैठती थी वैसे घूमती थी सारी ये गाय इकट्ठी करके हमें गौशाला में रख रखी हैं, और सभी भाइयों से हाथ जोड़ के अनुरोध है कि गौशाला में देखो भी, अरे भाई उसके सुचारू रूप से चलाने के लिए उसको मदद भी करो,
सभी को राम राम। पवन जी एक आप वेबसाइट भी बनाओ एक नेट पर, जो कि किसी को ये नहीं कहना पड़े तो उसे में भाई क्या खर्चा हुआ है कितना है, तो आप उस पर अगर देखो आप अपनी ये सलाह है, बाकी तो मेरे से ज़्यादा पढ़े लिखे भी हैं, तो एक वेबसाइट बना दोगे ना तो उसमें हफ्ता में 10 दिन में 15 दिन में गौशाला का खर्चा बना पर्चा बना वेबसाइट पर छोड़ दिया, यानी कि खुला पर्चा कोई भी देख सकता है भाई ये हमारा खर्चा लग रहा है, इतनी हमारी गौशाला में आमदनी हुई है, उससे आदमी संतुष्ट होंगे कि मेरे उससे जुड़ेंगे और जुड़ेंगे भी। देखो सामने खुली किताब है, मुकमा किताब नहीं है, कई बड़े बदले पहले भेज दो ब्रो भी गौशाला वाले हिसाब नहीं देते गौशाला, वो आदमी हिसाब वो ही कहेगा, आप इस बात को भी देखा होगा आपने, जो एक रुपया कहीं भी दान दक्षिणा नहीं देता होगा ना, सबसे पहले वो हिसाब मांगे अगर है, बाकी आप उनकी तरफ ना ध्यान दियो, गौवा की तरफ ध्यान दियो, और मैं छोरा हरियाणा के चैनल को ज्यादा से ज्यादा उसको सब्सक्राइब करना लाइक करना आप। अच्छा भाई साहब जोगिंदर जी ने हिसाब के बारे में भी बताया, हमारे पास एक एक रुपए का हिसाब है गौशाला का, जो भी आया है जो खर्चा हुआ है, हम साल में एक बार पूरा गांव को इकट्ठा करके उसका हिसाब देते हैं, और हमारा 31 मार्च 1 अप्रैल टू 31 मार्च हिसाब होता है, हमें 1 अप्रैल को पहले हिसाब दे दिया था, अब भी हमारा एक एक रुपये का हिसाब है, चाहे एक रुपया कहीं गया चाहे कहीं से आया, तो हमारे पास कोई भी आदमी उसमें 1 रुपया भी कहीं नाजायज लगा हुआ नहीं है न लगेगा, किसी की कोई स्वार्थ नहीं है वहाँ, सब भाई प्रेम से काम करते हैं और सब प्रेम से चल रहा है, और भाइयाँ तैयार भी भाई रिक्वेस्ट है इसने सर वो भी सब्सक्राइब भी करो भाई, मत जाए पढ़े लिखे हो इसका मेन बात है भाई, भाई का चैनल सही चलाओ सारा सोता कर दो तो भाई जो भी हो इसका सारा सोता कर दो, भाई ने पूरा जोर लगा रखा है और गौ माता का नहीं ध्यान दो, धन्यवाद। जब भी मैं यह बात को गलत कही हो ना तो मैं मेरी समझ वापसी जो वेबसाइट की मैंने जो कही है ना ये तो मतलब अच्छी अच्छी कंपनी है, जो धार्मिक जो भी जितने भी स्तर जो भी ट्रस्ट है उन्हें सब ने बना रखी है, जुड़ने के बाद हाँ जी हाँ जी हाँ जी, तो मतलब ये सब ने बना रखी है, ट्रस्ट वाले ने बना रखी है। चलो भाई ठीक है, सबसे पहले सबको भाइयों को राम राम, रात की राम राम, देसी खाना देसी पेड़ा देसी रहना, छोरा हरियाणा का जो निर्मा पड़ेगा चैनल को ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब करो, धन्यवाद धन्यवाद, जय श्री राधे जय गौ माता।